सवाल यह है कि आखिर कौन कौन से चेहरे खट्टर कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। हम आपको संभावित चेहरे बता रहे हैं जो कल शपथ ले सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि वो कौन कौन से चेहरे होंगे जो कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट में जगह बनाते हुए नजर आएंगे। इनका नाम लगभग तय है। अनिल विज अंबाला कैंट से जीते और इसके बाद जो अगला नाम आता है वो कंवरपाल गुर्जर का आता है। जगाधरी से जीत दर्ज की है, इनका भी मंत्री बनना लगभग तय है। बनवारी लाल बावल से चुनाव जीते हैं और इनका भी मंत्री बनना लगभग तय बताया जा रहा है। इसके अलावा अगला जो नाम है वो अभय सिंह यादव का है। नांगल चौधरी से चुनाव जीता है, हरियाणा में खट्टर की सरकार में इनको भी मौका मिल सकता है। दीपक मंगला पलवल से चुनाव जीते हैं, इनका भी मंत्री बनना लगभग तय है। महिपाल पानीपत ग्रामीण से चुनाव जीत कर आए हैं, खट्टर कैबिनेट में इन्हें भी जगह मिल सकती है। इसके अलावा रामकुमार गौतम नारनौद सीट है जहां से चुनाव जीता है, इनका भी मंत्री बनना लगभग तय बताया जा रहा है। तो ये वो बड़े चेहरे हैं जो कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में, वो कौन कौन से चेहरे हैं जो इस कैबिनेट की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे, उनका उन संभावित चेहरों का तारुफ हम आपसे करा रहे हैं। अभय सिंह यादव नांगल चौधरी से चुनाव जीते हैं, इनका भी लगभग मंत्री बनना तय माना जा रहा है। दीपक मंगला है पलवल से चुनाव जीते हैं, इनका भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा महिपाल है पानीपत ग्रामीण सीट से चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे और इनका भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा रामकुमार गौतम नारनौल सीट से चुनाव जीतकर आए हैं और इनका भी मंत्री बनना लगभग तय है। और अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव जीते हैं और एक बार फिर खट्टर कैबिनेट में इन्हें जगह मिल सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये देरी हुई क्यों, क्योंकि एक जल्दबाजी की गई थी कि दीपावली के दिन ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शपथ ले ली। लेकिन उसके बाद लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, वो बैठकें दिल्ली में भी हो रही हैं, वो बैठकें चंडीगढ़ में भी हो रही हैं। बावजूद इसके मंथन तो लगातार होता रहा, लेकिन निष्कर्ष निकलने में आखिर इतनी देरी क्यों हो गई, बड़ा सवाल यही है। तारुफ करा दें, बेहद खास पैनल इस वक्त इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहा है। मेरे साथ मंदीप बिश्नोई प्रदेश प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है मंदीप आपका। मुकेश सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी जुड़ रहे हैं, सोनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब से थोड़ी ही देर में रमन मलिक हमारे साथ जुड़ेंगे, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और थोड़ी देर बाद आपसे जब आप जुड़ेंगे तब सवाल आपसे भी होंगे। लेकिन पहला सवाल, चलिए संपर्क कट गया, लेकिन मंदीप विश्नोई चूंकि आप जननायक जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पहली बार एक पार्टी बनती है हरियाणा में इनेलो से निकलकर, और एक तरीके से तूफानी हवा समझी जा रही थी जो लब्बोलुआब चुनाव के दौरान नजर आ रहा था, यह ठीक है कि 10 सीटें आपने जीती, स्थिति कुछ ऐसी बनी कि गठबंधन करना पड़ा, यह बात हम डे वन से देख रहे हैं। गठबंधन हो गया, अच्छी बात है, महाराष्ट्र वाली स्थिति हरियाणा में कम से कम देखने को नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं दीपावली के दिन। ऐसा क्या हो गया जो इतना समय लग गया है कि नाम आपकी तरफ से तय नहीं हो पा रहे हैं या उनकी तरफ से, क्या है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो इस पहले पायदान पर आकर इतनी देर लगाता हुआ नजर आ रहा है? मंदीप बिश्नोई, सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता का धन्यवाद, आभार प्रकट कि जिसने 10 महीने पुरानी पार्टी को 10 सीटें जिताने का काम किया, और 10 से 12 सीटें ऐसी जहां हम नैरो मार्जिन से हम पीछे रहे। और जहां तक हेलो जी मंदीप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो चलिए संपर्क कट गया, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि सवाल महत्वपूर्ण यह है कि आखिर यह देरी हो क्यों रही है, आखिर यह देरी क्यों हुई। वीरेंद्र सोनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनी जी, हम तो डे वन से ये चर्चा कर ही रहे हैं कि ये जो गठबंधन है ये एक ऐसा गठबंधन है जो वैचारिक स्तर पर बहुत अलहदा है और एक तरीके से एक्सीडेंटल गठबंधन भी है, क्योंकि चुनाव से पहले कोई अलायंस ऐसा बना नहीं था। चुनाव परिणाम के बाद की जो परिस्थितियां रही उसमें ये तस्वीर निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी को जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा, सरकार बनानी पड़ी। लेकिन मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दीपावली के दिन शपथ लेकर जो जल्दबाजी दिखाते हैं, वो जल्दबाजी अब मंत्रिमंडल के विस्तार में नजर क्यों नहीं आती, या कहें गठन में नजर क्यों नहीं आती? गठन तो हो, उसके बाद विस्तार की बात होगी। देखिए,
कोई तकनीकी खराबी आ जाती है। सोनी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क कट गया। आपको बता दें कि लगातार सवाल यह उठ रहा है कि आखिर दीपावली के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शपथ तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आखिर हालात ऐसे क्यों हो जाते हैं कि दोनों ही पार्टियां आपस में चिंतन मनन मंथन तो करती रहती है लेकिन नतीजा सामने नहीं आता। लेकिन अब चूंकि डेट अनाउंस हो गई है, कल यह शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन अब सवाल यह है कि मंत्री कौन कौन बन रहा है। यह नाम हम आपको बता रहे हैं, बनवारी लाल बावल से चुनाव जीते हैं और इनका इस बार मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा अभय सिंह यादव हैं, नांगल चौधरी से चुनाव जीते हैं, इनका भी खट्टर कैबिनेट में शामिल होना तय माना जा रहा है, लगभग इनका मंत्री बनना तय हो गया है। दीपक मंगला पलवल से चुनाव जीते हैं और इनका भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। महिपाल हैं, पानीपत ग्रामीण से चुनाव जीते हैं और इनका भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये वो कुछ बड़े चेहरे हैं जिन्हें खट्टर कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अनिल विज हैं, दमदार मंत्री हैं, पहले भी खट्टर सरकार में रहे हैं और इनका भी मंत्री बनना इस बार लगभग तय माना जा रहा है। या यूं कहें कि जो पिछली कैबिनेट थी उसमें से अगर कोई दो चेहरे जीते हैं चुनाव, उनमें एक नाम अनिल विज का है। वीरेंद्र सोनी का रुख करते हैं। सोनी जी, ये बात ठीक है कि ये जो दो दल मिले हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे हम जननायक जनता पार्टी की बात करें, वैचारिक स्तर पर दोनों बहुत अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कभी कभी सियासत में कि जनादेश का सम्मान करते हुए गठबंधन करना पड़ता है। महाराष्ट्र में कोशिश हो रही है और हरियाणा में वो कोशिश हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तो शपथ ले लेते हैं। ये कैबिनेट के गठन में क्या खींचतान हो रही है, क्या है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो पहले पायदान पर ही सेट नहीं हो पा रहा है, इतनी देर लग गई? देखिए, ये जो गठबंधन हुआ इसकी किसी को कल्पना नहीं थी और ये बात आपकी सही है कि मजबूरी में ऐसा गठबंधन करना पड़ा, नहीं तो यहां भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बनती। अब गठबंधन तो हो गया लेकिन इसके बाद आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, हो गया पूरी करी। लेकिन इसके बाद अब स्थिति है कि मंत्रिमंडल के गठन में भी ऐसी आपत्ति, वहां कठिनाइयां हैं, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना है और जो जननायक जनता पार्टी बनी है वो भी 10 महीने पहले की बनी है और वहां पर भी अभी अपने कार्यकर्ताओं को और अपने संगठन को अभी उस दिशा में अब काम करने की जरूरत है। और जिन लोगों को दूसरे दलों से टिकट नहीं मिला, उन्होंने जननायक जनता पार्टी का रुख किया था, ठीक है, तो ऐसे में जननायक जनता पार्टी को भी अपने स्तर पर भी काफी मंथन करना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी, और दोनों में काफी कठिनाइयां हैं और उन पर, और भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, जो प्रदेश इकाई है उसको केंद्र की ओर भी झांकना पड़ रहा है। केंद्र के नेताओं की जो प्राथमिकता थी महाराष्ट्र रही और महाराष्ट्र से जी ठीक है। सोनी जी लौट रहे हैं आपके पास। रमणी सिंह मान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। रमणी जी, क्या वजह है, क्या वजह है कि दीपावली के दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो शपथ ले लेते हैं लेकिन ये कैबिनेट के गठन में आखिर क्या समस्या आ रही है? प्रदेश की आवाम ये तो जानना चाहेगी ना कि आखिर क्या दिक्कत आ गई, कैबिनेट का गठन ही नहीं हो पा रहा है और अब जाकर जब 20 दिन होने को आए चुनाव परिणाम के, तब एक तस्वीर कहीं ना कहीं कुछ साफ होती हुई नजर आती है। देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय भूभाग में जो दीपावली का पर्व है ये एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ा पर्व है और दीपावली के पर्व के दिन शपथ लेना और सरकार स्थापित करना और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी जो शपथ लेते हैं उसके अंदर किसी प्रकार की कोई आलोचना या आपत्ति का कोई सवाल नहीं होता। अब आपने पूछा कि 17 दिन 16 दिन लग गए तो कल इसका अंत हो गया है, कल निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और मंत्री जो है वो शपथ लेके और हरियाणा की जनता की सेवा में काम करने में लग जाएंगे। हो जाता है, देखिए, अब वैचारिक मतभेद तो कोई नहीं है, देखिए दोनों गैर कांग्रेसी विचारधारा की पार्टियां हैं, दोनों एक एक समान विचारधारा की पार्टियां हैं और पहले भी
किसी दूसरे स्वरूप में ये पार्टी, जैसे जननायक जनता पार्टी जो है, इनके जो पूर्वज हैं या जो इनके संस्थापक हैं, ये दूसरे रूप में, इंडियन नेशनल लोकदल के रूप में, भारतीय जनता पार्टी ने इनके एज ए माइनॉरिटी पार्टनर एक छोटे हिस्सेदारी के रूप में सरकारों को इनके समर्थन दिया है, तो अब जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दे रही है, तो इसके अंदर ये कहना मेरा, देखिए रमणीक जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं, रमणीक जी इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये बात जेजेपी भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और जो बाकी गेस्ट बैठे हैं, साथ ही जो प्रदेश की आवाम है, वैचारिक स्तर पर बहुत बड़ा गैप बीजेपी और जेजेपी में है, लेकिन ठीक है, सियासत में ऐसा होता है, सरकार कभी कभी बनानी पड़ती है। क्या एक बड़ी वजह देरी की यह रही कि आप बीजेपी अपने तरफ से ज्यादा करना चाहती है, जेजेपी की मांग अपनी तरफ से ज्यादा है, क्या यह भी एक वजह है जो आमतौर पर होती है? इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बहुत छिपी हुई बात हुई? रमणीक सिंह, नहीं ऐसा, देखिए ऐसा नहीं है, अटकलें, चलिए अटकलों का बाजार गर्म है, बाजार में किस तरीके के लोग बात करते हैं, परंतु इसके अंदर कोई सच्चाई नजर नहीं आती कि भाई किसी की हिस्सेदारी को लेकर या कोई ऐसी कोई बंटवारे को लेकर या मंत्रालयों को लेकर कोई इस प्रकार की बात रही, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दोनों ही दल मचौड हैं, और जननायक जनता पार्टी हालांकि एक नई पार्टी है, परंतु जो इनका काडर है, जो इनका बेस है, या जैसे जो डॉक्टर अजय सिंह है, वो पुराने जिसे कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता रहे, राजनीतिक कार्यकर्ता रहे, वो पहले एमपी भी रहे हैं, ठीक है, उनका अपना एक जनाधार है, उनका अपना एक बेस है, तो दोनों पार्टियों ने पोस्ट पोल अलायंस के तहत जो है, आप देखिए कहीं तो प्री पोल अलायंस नहीं चलते और कहीं पोर्ट पोल अलायंस भी काम कर रहे हैं। हाँ। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर किसी प्रकार का ये मतलब ये अटकलें हैं केवल मात्र जो आप कह रहे हैं कि साथ, ये आपका पक्ष है, देखिए ये आप अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वीरेंद्र सोनी, क्या सहमत हुआ जा सकता है जो तर्क रमणीक सिंह मान रख रहे हैं कि एक तो वैचारिक स्तर की वो बात कर रहे हैं, वो ठीक है कि अब चूंकि सरकार में है, साथ है, तो बहुत कुछ उस तरीके से भी कहना पड़ता है और कहना भी चाहिए, क्या ये एक वजह है वीरेंद्र सोनी? मैं मजबूरी में कुछ नहीं कह रहा, संपर्क कट गया है, लेकिन रमणीक जी ये जो देरी हुई है, इस देरी को लेकर क्या एक बड़ी वजह यह ना मानी जाए कि निर्दलियों को भी चूंकि साथ लेना है, और जब समर्थन मिल रहा है या समर्थन लिया जा रहा है, तो ऐसे में सरकार में शामिल होने की भी एक मजबूरी भी होती है और एक जरूरत भी होती है, यह भी क्या एक वजह है कि निर्दलियों की के एंगल से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो वहां से भी डिमांड ज्यादा है? देखिए पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, पॉलिटिक्स इज नॉट द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, तो ये जो शब्द आपने दो प्रयोग किए, मजबूरी और जरूरत, ये सब चीजें जो है ना अपार्ट, इनको आप एक तरफ रखिए। देखिए जहां तक निर्दलियों का सवाल है, आज निर्दलियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने डिनर पे जो है आज शाम की बैठक में इनवाइट किया है, तो उसके अंदर कोई अगर किस प्रकार की सहमति बनती होगी, कोई हल निकलता होगा, तो उनको भी देखेंगे, परंतु सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार हरियाणा के प्रदेश को, हरियाणा की जनता को मिल चुकी है, और इसके मंत्रिपरिषद का विस्तार कल होने जा रहा है। अब आप उसको किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, वो अपना अपना नजरिया है, तो नजरिए के ऊपर कोई रोक नहीं है, सोच के ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन रमणीक जी ठीक है, नजरिए की बात है रमणीक जी, और मंत्रिमंडल का विस्तार होना ठीक है भाई, नजरिए की बात है, नजरिया तो सबका होता है, नजरिया होता है, विचारधारा होती है, विचारधाराएं कभी कभी विषम परिस्थितियों में एक मंच पर आकर खड़ी भी हो जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप हरियाणा की जनता को ये तो बताएंगे ना कि आखिर ये देरी हुई क्यों है? देखिए देखिए हम कहते हैं कि आप लकीर पे लाठी मार रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कल मंत्रिपरिषद का विस्तार होने जा रहा है और हरियाणा की जनता को अपने नए मंत्री मिलने जा रहे हैं, और जो आने वाले कल के दिन में जो भावी मंत्री बन रहे हैं उनके लिए मैं आपको आपके माध्यम से अग्रिम बधाई देता हूं। तो आप देखिए कल कौन कौन लोग शपथ लेते हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल में जैसे जैसे मंत्रिपरिषद का स्थापित हुए उनके जो डिपार्टमेंट्स है उनका आवंटन होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, तो एक रूटीन अफेयर है। हाँ। किसी में दो दिन फालतू लग जाते हैं, किसी में चार दिन लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ। अच्छा रमणीक जी, कि निर्दलियों के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें, सरकार के गठन के साथ ही सबसे पहला जो कदम है वो निर्दलियों ने चला था, और उसके बाद कई कदम उन्हें पीछे करने पड़े जेजेपी के आने के बाद, लेकिन समर्थन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार को निर्दलीय भी दे रहे हैं, ऐसे में क्या निर्दलियों के एंगल से अगर हम देखें इस पूरी खबर को, उन्हें भी जगह मिल रही है, उन्हें भी जगह मिल सकती है? देखिए जो मंत्रिपरिषद का चयन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है, टू सिलेक्ट हिज ओन कैबिनेट, टू सिलेक्ट हिज टीम, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है, और मुख्यमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री जी से परामर्श के साथ जो जननायक जनता पार्टी में से विधायक मंत्रिपरिषद में आएंगे वो उनके साथ परामर्श में उसके ऊपर जो है निर्णय लिया गया होगा, और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई
किसी का यदि विशेषाधिकार होता है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट जैसे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके विशेषाधिकार के ऊपर टिप्पणी करना मेरा जायज नहीं है, मेरा बनता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं इसलिए हम तो बीजेपी का पक्ष भी तो जानेंगे ना, चूंकि ये 5 विधायक निर्दलीय दिल्ली आते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्हें चंडीगढ़ डिनर पर बुलाया जाता है। हम ये क्या मानकर चलें कि जब कल तस्वीर साफ होने लगेगी तो कुछ चेहरे इधर से भी रहेंगे? देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है, इट इज प्रिविलेज, उनकी प्रिविलेज के ऊपर मैं कैसे टिप्पणी करूं? पार्टी के व्यक्ति भी कोई कैसे टिप्पणी करे? ये तो जो जैसे अभी विधायक दल की बैठक हुई है उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने परामर्श किया, उनका अपना एक अधिकार है। लेकिन रमणीक जी आप अपनी जगह, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है उनका एक अधिकार है, उसके ऊपर मैं कैसे टिप्पणी करूं? रमणीक जी आप सही कह रहे हैं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री का ही विशेषाधिकार है और उन्हें ये हक है कि वो किसे अपनी कैबिनेट में शामिल करें और किसे ना करें, ये इसका संवैधानिक पक्ष है। लेकिन कांग्रेस या आपके जो विरोधी दल है वो तो यही सवाल उठा रहे हैं ना कि दरअसल ये देरी इसलिए हो रही है, अब मैं चूंकि मेन मुद्दे पर आ रहा हूं, ये देरी इसलिए हो रही है क्योंकि वैचारिक स्तर पर इतना अलग अलग विचार है चूंकि दोनों पार्टियों का, इतनी मतभिन्नता है दोनों पार्टियों में, इसलिए ये देरी हो रही है। और ये देरी इसी स्तर पर नहीं है, आगे जब सरकार कई कदम चलने की कोशिश करेगी या चलेगी तब भी ये चीजें नजर आएंगी, ये आरोप है दरअसल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे आपको पहले कहा, अटकलों का बाजार गर्म है, और जैसे कि आप कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियां, अन्य विपक्षी पार्टी है कौन सी साहब, नाम तो लीजिए आप बताइए ना, जैसे इंडिपेंडेंट एक एक विधायक, कांग्रेस सीधे से भाई कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस कह रही है ये बात, ऊपर भी एक विधायक जीत के आए हैं, तो इसके अंदर ये कहना कि अन्य कांग्रेस की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, उनकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कह रहे थे कि साहब हम तो दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, अच्छा है, उन्होंने कुमारस्वामी इतना रोना पसंद नहीं किया, उन्होंने एक गैर कांग्रेसी विचारधारा की पार्टी जिसके साथ पहले उनके पिता का या उनके दादा का संबंध रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, हमने सरकारें मिलकर पहले चलाई हुई है, तो पहले दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है कि इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस की पीड़ा है मैं समझता हूं, वो चाहते थे कि वो किसी तरीके से, उनका भी कहना था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेते हैं, कुछ हम नहीं बना बीजेपी कर लेते हैं, हम हर एक शर्त मारने के लिए तैयार है। 24 तारीख को जब रिजल्ट आ रहा था तो हम निरंतर देख रहे थे किस प्रकार से हुड्डा पिता पुत्र, ठीक है, वो सही है आपकी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें हार गए, बीजेपी इसमें जीत गए, बीजेपी को अपने साथ लेना चाहते थे लेकिन बीजेपी ले उड़ी, वो ठीक है, लेकिन लेकिन फिर भी अभी और 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक है रमणीक जी, ठीक है रमणीक जी, लेकिन चूंकि चूंकि अब तो तस्वीर साफ हो गई है, आईने की तरह न सही लेकिन फिर भी कुछ धुंधली धुंधली सी तो सफाई दिखाई दे रही है। इतना तो तय हो गया कि कल कैबिनेट का गठन किया जाएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला के बाद, अब कौन कौन से चेहरे इस कैबिनेट की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे ये कल तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में सरकार को बने हुए 17 दिन हो चुके लेकिन मंत्रिमंडल का मंथन जारी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आला कमान से मिलकर मंत्रियों के नाम पर चर्चा की। आला कमान से मनोहर लाल को हरी झंडी मिल चुकी है लेकिन एक सवाल, आखिर कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? इसका जवाब 14 नवंबर है। जी हां, हरियाणा में 14 नवंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य मनोहर लाल कैबिनेट के मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हालांकि मंत्रिमंडल के नाम लगभग तय हो चुके हैं लेकिन मनोहर कैबिनेट में कौन कौन मंत्री शामिल होंगे और बीजेपी जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायकों से कितने मंत्री होंगे फिलहाल इसकी सूचना नहीं है। सूत्रों की माने तो मनोहर कैबिनेट में 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं, इसमें बीजेपी के 6, जननायक जनता पार्टी से 1 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। साथ ही अगर निर्दलीय विधायकों की बात की जाए तो 1 निर्दलीय विधायक कैबिनेट का हिस्सा हो सकता है। राजभवन से मिली सूचना के अनुसार 14 नवंबर को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब देखना होगा मनोहर कैबिनेट में कितने मंत्री शपथ लेते हैं, क्या निर्दलियों को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। खट्टर कैबिनेट के इस गठन को लेकर कमल पार गुर्जर ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। पत्रकारों का आपकी प्रेस का मैं हूं आप मेरा नाम चले रहे लेकिन ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसको उन्होंने मंत्रिमंडल में लेना, क्या जिम्मेदारी सौंपनी, तो ये वही इसको फाइनल करते हैं। तो जैसे आज की बैठक है शायद इसके बाद कोई ऐसा मंत्रिमंडल का हो विस्तार करने की बात, तो उसके बाद ही जरूर मुख्यमंत्री।
तो आखिर ये देरी हुई क्यों, लेकिन देर आए दुरुस्त आए क्या कह दें, ये डिबेट लगातार जारी है। विषय यह है कि आखिर ये देरी हुई क्यों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शपथ ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आखिर बीजेपी और जेजेपी में पेच कहां फंसा रहा। लेकिन अब तस्वीर चूंकि थोड़ी थोड़ी साफ हो रही है, इतना तो साफ हो गया कि कल शपथ ले रहे हैं, कौन कौन से चेहरे हैं, कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं जिन्हें कल खट्टर कैबिनेट में जगह मिल सकती है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं। सीधा रुख करें, बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है, मुकेश सैनी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए। मुकेश जी, क्या कहेंगे कि ये जो देरी हुई है, इस देरी के पीछे कांग्रेस क्या वजह मानती है? अनूप जी, देरी का कारण ये है, ये एक बेमेल गठबंधन है। आप देखिए 50 विधायकों में से 17 दिन लगा दिए 10 आदमी नहीं चुन पाए गठबंधन। ये प्रदेश के लिए क्या कर पाएगा? इनकी आपस में राजनीतिक भाषा विचारधारा नहीं मिलती, इनकी नीति नियत नहीं मिलती आपस में। हाँ। एक बीजेपी वाले चुनाव से पहले बोलते थे गपुरा में दुष्यंत जी के बारे में बंदर है, इस टाइप की लैंग्वेज यूज की इन्होंने, और वो किसानों के हितों की बात करते थे जसपा वाले। अब पता नहीं 24 तारीख को नतीजे आने के बाद इनका हृदय परिवर्तन एकदम से क्यों हो गया, क्या कारण है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता के साथ सरासर धोखा किया इन लोगों ने। भाजपा के खिलाफ लोगों ने इनको इनके 10 विधायक बनाए, लेकिन उसी भाजपा के साथ जाकर इन्होंने गठबंधन। लेकिन मुकेश सैनी चूंकि आपने भी कांग्रेस ने भी गठबंधन की सरकार चलाई है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकारों में रही है, कांग्रेस ने भी गठबंधन की सरकार चलाई है। चूंकि आप सरकार में रहे हैं, इसलिए जरा अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब दो दल या तीन दल मिलते हैं तो जो बाकी दल होते हैं वो किस तरीके की डिमांड रखते हैं कि बड़े दल के सामने समस्या खड़ी हो जाती है। सर, इनका तो इतिहास रहा है 1987 से लेकर 1987 में चौधरी देवीलाल जी के साथ भी गठबंधन था, तब भी यह पूरा नहीं चल पाया। 2000 में आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी इनका गठबंधन था, लेकिन वो भी 47 सीट आई थी इनलो की, और बीजेपी को गठबंधन से बाहर कर दिया गया था। इनका हमेशा का ये इतिहास रहा है, हर बार जनता ही अपने आप को ठीक ऐसा महसूस करती है। मंदीप बिश्नोई, क्या ये आरोप सही है जो मुकेश सैनी लगा रहे हैं कि दरअसल ये इतना बेमेल गठबंधन है इसलिए ये देरी लग रही है? ये देरी सिर्फ कैबिनेट के गठन तक नहीं है, ये देरी आगे आने वाले हर फैसलों में नजर आएगी। आरोप जिस प्रकार से 27 तारीख को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उसके बाद से लगातार प्रदेश में दो बार कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है आपस में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी। किसानों को लेकर के जो मुकेश भाई भी बात कर रहे थे, हम किसानों को भूल चुके हैं। किसान की फसल, धान की फसल का एक एक दाना खरीदने की बात हो, पराली के प्रबंधन की बात हो, ट्यूबवेल कनेक्शन की बात हो, वो सब की सब बातों ठीक है। ये तो अब तो अब इन बातों को छोड़िए, अब तो आप सरकार में, अब ये समस्या आपके लिए सॉल्यूशन की तरह होनी चाहिए, अब तो इनके सॉल्यूशन आपको तलाशने। आप तो मुझे सुनोगे बताओ। ठीक है जो मुकेश भाई ने बात बताई कि बेमेल गठबंधन है, ये बेमेल गठबंधन नहीं है। चौधरी देवीलाल, जननायक चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन जी की जो दोस्ती थी, जो आपसी सद्भाव और विचारधारा थी, उन चीज को ध्यान में रख करके ये गठबंधन हुआ है। ठीक है, प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया 40 भारतीय जनता पार्टी को और 10 जननायक जनता पार्टी को, इन दोनों का जो आपसी गठबंधन है वो हो सकता था, क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन जी की जो विचारधारा है उसका मिलन आज ये हुआ है। अब सामने प्रदेश की जनता के सामने तीन विकल्प थे कि या तो किसी का बहुमत नहीं था। हाँ। तो जिस तरह से आज महाराष्ट्र में जो हालात पैदा हो गए हैं, तो बात सर्वाधिक है प्रदेश में हो, एक बात ये तो साफ है ना कि निर्दलियों के सहारे अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती तो जिस तरह से 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्दलियों के सहारे सरकार चलाई और एक सीएलयू मंदीप बिश्नोई, इसमें क्या दिक्कत है भाई? ये तो दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था ना, हमारे लिए तो ना बीजेपी अछूत है ना कांग्रेस अछूत है, इसमें क्या समस्या है? सवाल ये है कि अब क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है? जो ये 10-12 दिन से 15 दिन से हम देख रहे थे, जो मंथन चल रहा था, अब सब ठीक हो गया है? आपकी डिमांड मान ली गई है सरकार गठन को लेकर?
अनूप 26 तारीख को ही ठीक हो गया था सब, जब दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ और 27 को मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उसी दिन ठीक हो गया था। कैबिनेट का विस्तार अलग मुद्दा है। दुष्यंत जी ने बार बार ये कहा कि प्रदेश के अंदर जो सौहार्दपूर्ण माहौल है उसको बनाए रखना सबसे पहले जरूरी है। आज मंत्रिमंडल के विस्तार की जो बात है वो कल हो जाएगा, उसकी इंतजार की घड़ियां भी खत्म है। ओमन मिनिमम प्रोग्राम की बात जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं वो मंत्रिमंडल को लेकर के किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात नहीं है, वो हमारे वायदे हैं, जो जननायक जनता पार्टी के वायदे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी। अरे हिस्सेदारी तो होगी ना, हिस्सेदारी तो होगी ना कि बीजेपी के कितने मंत्री बनेंगे, जेजेपी के कितने मंत्री बनेंगे, निर्दलीय बनेंगे या नहीं बनेंगे। हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में कितनी हिस्सेदारी जननायक जनता पार्टी की, कितनी भारतीय जनता पार्टी की, ये बड़ा सवाल नहीं है। अब जब हम एक होकर के मिल चुके हैं, क्यों क्यों इतनी देरी लगी, 11 बनकर क्यों इतनी देरी लगी? बिश्नोई जी संक्षेप में क्यों इतनी देरी लगी? कोई देरी नहीं हुई है अनूप जी, कोई देरी नहीं हुई है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, अगर देरी। वीरेंद्र सोनी जी, क्या ये सब कुछ ठीक है जैसा जितना ये मौसम जितना सुनहरा जितना सुहावना नजर आ रहा है, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा ही है। पूरे 5 साल ये प्रदेश में पारदर्शिता और स्थायित्व सरकार चलेगी, ठीक है मंदीप जी, आप सब लोग देखेंगे प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। ठीक है, शुभकामनाएं। ठीक है मंदीप जी। वीरेंद्र सोनी, सोनी जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए सोनी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, हाँ सोनी जी, सवाल यह कि जो बात जेजेपी कह रही है कि नहीं वैचारिक स्तर पर भी हम लोगों में कोई ऐसी भिन्नता नहीं है और कोई देरी नहीं हुई, ये तो समय लगता ही है, हम ये क्यों ना सवाल उठाएं कि दरअसल ये देरी इसलिए हुई है। अब तो ठीक है कि कल शपथ लेना है और कल कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा तस्वीर आईने की तरह साफ हो जाएगी, लेकिन क्या ये देरी इस बात को लेकर के नहीं है कि हमारे कितने मंत्री बन रहे हैं और उनके कितने मंत्री बन रहे हैं? पैच नहीं किया ना, चलिए संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मुकेश सैनी, आप जो बातें कह रहे हैं उसका तो एक एक करके मंदीप बिश्नोई जी ने जवाब दे दिया कि नहीं इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है। दरअसल कांग्रेस की जब सरकार रही है तो ये कांग्रेस का तरीका हो सकता है किसी सरकार के गठन का, किसी कैबिनेट के गठन का। आधी अधूरी बात कर रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं इस बात का मेरे बड़े भाई को कि आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और मंगल सेन जी की बात जो कर रहे हैं मंदीप जी, उनके साथ गठबंधन हुआ था 1987 में, क्या आज तक भाजपा जो इनकी पुरानी पार्टी इन्हें लो, क्या वो गठबंधन पूरे 5 साल तक चल पाया? और प्रदेश की जनता अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। पिछले 17 दिनों से इनकी इसी बात में खिंचाव आपस में, मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर, विभागों को लेकर खींचातान चल रही है इनकी। नंबर दो बात, आज प्रदेश के कई विभागों के अंदर मुखिया ने बिना मुखिया के वो काम कर रहे हैं, ना ही कोई जनता का काम हो रहा है और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भी बुरी तरीके से चरमराई हुई है। ये बार बार गठबंधन करते हैं और बार बार तोड़ते हैं। ये अपने स्वार्थ सरकार के तो कामकाज का मूल्यांकन करना भी बहुत जल्दबाजी, अभी तो बहुत जल्दबाजी है सरकार के, इस गठबंधन की सरकार के काम का मूल्यांकन करना। लेकिन रमणीक जी एक लाइन में जवाब दे दूंगा, एक सेकंड आरोप भाई, एक सेकंड जी, मैं एक लाइन जवाब दूं जी। भाई मुकेश ये कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता ठगी महसूस कर रही है, अगर कोई ठगा महसूस कर रहा है उस व्यक्ति का नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या कोई कांग्रेस के वो साथी होंगे। प्रदेश की जनता ठगा महसूस कर रही है, आज भी सब कुछ हुआ है। जब ये बात करते हैं अधिकारियों के साथ चौटाला की वो बात याद आती है कि हमारे लिए बीजेपी बुरी है ना कांग्रेस बुरी है। वीरेंद्र सोनी, बहुत संक्षेप में आप जवाब दीजिए, ये जो पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से रहा है 10-12 दिनों का, जो देरी दरअसल हुई है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? उसके बाद रमणीक। वीरेंद्र सोनी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। रमणीक जी जो इशू है ये पूरा, दरअसल बात चूंकि ये ठीक है कि मुख्यमंत्री के स्तर की ये बात होती है, उनका संवैधानिक अधिकार है किसे चुने ना चुने, लेकिन फिर भी चूंकि ये बात सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, सवाल तो अब
बीजेपी से ना होकर अब एनडीए से होने लगा है और उस गठबंधन की परंपरा से होने लगा है जो महाराष्ट्र में टूटती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में किस तरीके से बचेगी या किस तरीके से बचाई जाएगी, ये भविष्य के गर्भ में है। कुछ आवाज बिहार से भी उठ रही है, जेडीयू के अंदर से। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये सब कुछ जो खबरें हम देखते हैं, इन खबरों के लिए क्या हम ये कहें कि जो गठबंधन में दरअसल बड़ा दल होता है, जिम्मेदारी उसकी होती है। हरियाणा में भी कमोबेश स्थिति यही है कि अगर कुछ नानुकुर रहे तो जिम्मेदारी पहले बीजेपी की है। रमणीक जी, अनुप, पहली बात तो ये कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूं और मैं राष्ट्रीय मसलों के ऊपर बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं, तो हाँ। उस बात को तो मैं एक तरफ रखता हूं। अब दूसरी बात, हाँ। अब हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो मैं दो तीन बातें जो अपने कांग्रेस के मित्र साथी हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनको मैं स्मरण कराना चाहता हूं सैनी साहब को। पहला ये समझिए कि साहब आपने जब थोड़ा सा पीछे चलते समय में 2009 का जब चुनाव का रिजल्ट आया तो आपके पास कितनी सीटें थी? 40। और आपने किस प्रकार सरकार बनाई? हजका के आपने कुछ विधायक तोड़े और आपने जोर तोड़ के और किस प्रकार से आपने असंवैधानिक ढंग से सरकार चलाई वो जब जाहिर है, उसको कहते हैं जनता ठगा महसूस करना, उसको जनता के जनादेश को ठगने की बात होती है। पोस्ट पोल अलायंस के अंदर यदि दो पार्टियां इकट्ठी आती हैं तो उसको ठगना नहीं कहते। और दूसरी बात, अभी आप थोड़ी देर पहले जिस प्रकार से कह रहे थे कि साहब ये चलेगी नहीं चलेगी, तो अटकलों का बाजार मत गर्म कीजिए। आपको मैं बता दूं, ये सरकार 5 साल पूरा अपना कार्यकाल बढ़िया तरीके से काटेगी, इस बात को आप भी जानते हैं। अटकलें हम नहीं लगा रहे, ये तो कांग्रेस पार्टी का आरोप है। मुकेश सैनी बैठे हुए हैं यहीं पर भाई, ये तो मैं बिल्कुल मैं उन्हीं को तो संबोधित कर रहा हूँ, मैं तो आपको कह भी नहीं रहा हूँ भाई, मैं तो सैनी साहब को ही कह रहा हूँ। वो उनके लिए शेर प्रस्तुत है कि तुम जानते हो जन्नत की हकीकत, लेकिन तुम जानते हो जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि 5 साल सरकार चलेगी नहीं। अरे आपके ख्वाब में छीछड़े आ रहे हैं साहब, हम क्या करें? ये सरकार चलेगी, बाकायदगी से चलेगी और बढ़िया चलेगी, 5 साल चलेगी, कोई समस्या नहीं है। और आप देखेंगे कि 2024 में पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल सैनी जी, क्या ये कांग्रेस के ख्याली पुलाव हैं इस गठबंधन को लेकर के, जो बात रमणीक जी भी कह रहे हैं और मनदीप बिश्नोई भी कह रहे हैं? मुकेश सैनी जी, अनूप जी, ये इतिहास गवाह है, जब जब बीजेपी का किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ वो बीच में टूटा है। स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के साथ इतिहास से भविष्य में, इतिहास तो इतिहास होता है ना मुकेश सर, वो आगे वो सच्चाई है। ये बीजेपी की आदत है, ये उसको दोबारा दोहराएगी। जी आवाज नहीं आ रही आपकी जी, आप अपनी बात पूरी करिए। रुला दिया आपने कुमारस्वामी को, कुमारस्वामी स्टेज पे खड़े हुए बेचारे रो रहे थे, छम 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 छम, उनकी आंखों में गंगा बह रही थी साहब। ना ही तो सभी दुनिया ने देखा, क्या बात कर रहे हैं आप? सिस्टम है, आप देख रहे हो महाराष्ट्र के अंदर भी सत्ता आ रही है। महाराष्ट्र को छोड़िए, हरियाणा की बात करिए। पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं शिवसेना और कांग्रेस के पीछे कोई विचारिक मतभेद ही नहीं है, दोनों की विचारधारा सेम है, एक जैसी है। बताइए, इससे बड़ी कोई हासिल की बात हो सकती है? ये किसी भी सूरत में 5 साल तक सरकार नहीं चलेगी। नहीं, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? सिर्फ इतिहास की वजह से, इतिहास क्योंकि गठबंधन का ठीक हुआ है बार बार। हाँ, तर्क तो रखिए ना मुकेश जी, जब आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप एक एक एक, एक गठबंधन की सरकार को आप कह रहे कि नहीं तो साहब चलेगी नहीं सरकार, तो कुछ तो उसका आधार होगा कहने के पीछे। सर आप देख लीजिए, पिछले 17 दिनों से 10 आदमी नहीं चुन पाए, वो टकराव है इनका आपस में मंत्रिमंडल को लेके, मुझे ये विभाग चाहिए, मुझे ये विभाग चाहिए, मेरे इतने मंत्री बनने चाहिए, मेरे इतने मंत्री बनने चाहिए। इसका जवाब ले लेते हैं जी, ये क्या वजह है? निर्दलीय विधायकों ने, ठीक है, ये सवाल आपने सही पूछा रमणीक जी, क्या ये वजह है? क्योंकि मेरी हिस्सेदारी कितनी होगी, मेरी हिस्सेदारी कितनी होगी? नहीं नहीं, अब देखिए, मैं बताता हूं, सुनिए, जिस आदमी ने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी हो वो हिंदी बेहतर समझता है, जिसने अंग्रेजी पढ़ी हो वो अंग्रेजी बेहतर समझता है, जिसने पंजाबी पढ़ी हो वो पंजाबी मीडियम ज्यादा बेहतर समझता है, इसी प्रकार जो भी रीजनल लैंग्वेज आप लागू कर लीजिए, ठीक है। अब इन्होंने ये ठग्गा बुग्गी चोरी हिस्सेदारी की, मेरा बड़ा हिस्सा, मेरा छोटा हिस्सा, मुझे ये मुझे वो, अब इनकी विचारधारा ऐसी है, इनका जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है, जो इनकी राजनीतिक तालीम है कांग्रेस पार्टी की, वो है ही ऐसी कि जी मेरे को ये दे दो मेरे को, अरे ऐसी कोई बात ही नहीं है साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपके दिमाग से उत्पत्तित जो है ख्याल है, ऐसी कोई बात नहीं है।
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच में कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। यदि वैचारिक मतभेद होते तो ये सरकार ही ना बनती साहब, आप समझिए इस बात को। और जो आप जिस मीडियम में पढ़े हैं ना राजनीति, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनी जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सोनी जी, ये जो इतनी देरी हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे गठन को लेकर कैबिनेट के? देखिए, इससे एक बात तो सिद्ध हो गई है कि प्रदेश भाजपा इकाई वो गौण है, उसको हर फैसले के लिए दिल्ली की ओर देखना पड़ रहा है और दिल्ली से स्वीकृति मिलने के बाद ही वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं रमणी जी को सुन रहा था कि ये बात में कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, अगर वैचारिक मतभेद होते तो समझौता की तरफ भी नहीं बढ़ते, ऐसी बात नहीं है। आप चुनाव के दिन में भूल गए जिस तरह एक दूसरे को दोनों दल गप्पू और पप्पू की जिस तरह से व्याख्या हो रही थी, जिस तरह एक दूसरे ऊपर लाछन लगाए जा रहे थे, वो राज्य की जनता भी भूली नहीं है। ये बात ठीक है कि खंडित जनादेश आया है और राजनीतिक दलों की मजबूरी है सरकार बनाना, और जनता भी नहीं एक और चुनाव नहीं चाहती, ये व्यवस्थाएं हैं। अब आप तो अब सरकार बनेगी, लेकिन उसके बाद जब सरकार चलाएंगे तो निश्चित रूप से गठबंधन सरकार की मजबूरियां भी रहती हैं, पग पग पर कठिनाइयां आती हैं, वो आएंगी भी, और इस कठिनाइयों पर पार पाना दोनों दलों के लिए एक शक्ति। क्या ये देरी हिस्सेदारी को लेकर के है? एक सवाल कांग्रेस उठा रही, दरअसल ये हिस्सेदारी को लेकर के ये देरी हुई है? बिल्कुल, देखिए बात, ये बात सत्ता की, ये सत्ता की हिस्सेदारी की है, कौन किसको क्या विभाग मिलेगा, किस तरह की ये पेचीदगियां होती हैं। और प्रदेश इकाई बिल्कुल गौण है, प्रदेश इकाई की कोई भूमिका नहीं है, जो केंद्र फैसला करेगा प्रदेश इकाई उसकी तरफ से ही मोर लगाएगी। अब प्रदेश भाजपा के नेता को देख लीजिएगा, उनको किसी मामले में विश्वास में नहीं लिया जाता, पहले केंद्र ने फैसला किया है, प्रदेश इकाई के नेता सक्षम नहीं रहे, वो अपने स्तर पर अपनी उनको विफलता माननी पड़ेगी। नहीं तो प्रदेश डॉक्टर मंगल सैन जी का भी दौर था, जब डॉक्टर मंगल सैन जी अपने स्तर पर निर्णय किया करते थे, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था। आज प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो अपना यह दायित्व निभा सके, और इस समय केंद्र का फैसला है, हर मामले की ओर केंद्र की ओर ताकना पड़ेगा। छोटी छोटी बात के लिए कौन मंत्री बनेगा यह भी मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है कि दिल्ली जाकर फैसला होगा, वो अपने सहयोगियों को फैसला, वो अपने सहयोगियों को कहते हैं कि फैसला दिल्ली से होगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की क्या स्थिति है और बदतर और क्या स्थिति होने वाली है। रमणीक जी जवाब दीजिए, क्या गठबंधन को अगर मजबूत करना है तो फिर फैसले खुद नहीं लेने होंगे, चंडीगढ़ से नहीं होंगे, दिल्ली से होंगे, जब दिल्ली से होंगे तभी गठबंधन मजबूत रहेगा, क्या यह स्थिति है जो बात वीरेंद्र सोनी कह रहे हैं? देखिए, मैं इस बात का, बताइए कोई ख्याली पुलाव बनाता रहे घर बैठ के, तो मैं इस बात का क्या उत्तर दूं। इस बात को हम सब ने सहमति से माना कि ये कैबिनेट का जो गठन है, विस्तार है, और जो विभागों का आवंटन है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो उनका प्रिविलेज है। अब इसके ऊपर टिप्पणी करना मैं कैसे, आप बताइए, आप पुनः मेरे से वही सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस बात के ऊपर टिप्पणी कीजिए। मैं कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, सैद्धांतिक तो बात है, बात ही सिद्धांतों के साथ, तो व्यवहारिक बात बता रहा हूं, बिल्कुल सैद्धांतिक और व्यवहारिक बातें दोनों एक जैसी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कोई अंतर नहीं है मेरे भाई किसी प्रकार का। अनुप जी, अच्छा मान लीजिए आप सोनी जी बड़ी देर के बाद बड़ी मुश्किल से जुड़े और वो जुड़ रहे हैं, तो मैं सुन रहा हूं उनको किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा आप इतना बता दीजिए, ठीक है, आप विधायक दिल्ली पहुंच जाते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, चंडीगढ़ पहले क्यों नहीं जाते? ये उनका अधिकार है, उनका अधिकार है मिलने, तो आएगा चंडीगढ़ का मिलने के लिए साहब। हाँ। तो आप समझिए ना, विशेषाधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, इसी संकेत से समझ लीजिए ना साहब, इसके अंदर क्या दोहराई क्या रहेगी, इसके अंदर क्या ऐसी बात रहेगी जो ग्रे एरिया में रहेगी, बिल्कुल क्लियर है, ब्लैक एंड व्हाइट है। आएगा मुख्यमंत्री जी के पास, मैं बताता रहा हूं आपको तब से। मुकेश सैनी, क्यों क्यों कांग्रेस फिर आरोप लगा रही है, कह तो रही है ना बीजेपी, रमणीक जी कह रहे हैं कि ये तो आप सीएम का अपना अपना विशेषाधिकार है, कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा, और आप क्यों ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये सीधा आरोप है कांग्रेस पर। कांग्रेस कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रही है अनूप जी, ये सच्चाई है कि 17 दिन लग जाते हैं कैबिनेट के विस्तार में। दिवाली के दिन मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, उसके बाद आज 17 दिन हो चले हैं, कोई आवाज नहीं आ रही। जैसे आप बता रहे थे कल निर्दलियों ने भी वहां अपना पहुंचकर अलग से मीटिंग के लिए मिलना चाहते थे अमित शाह जी से, उनकी मुलाकात वो नहीं हो पाई किसी वजह से। ये सारा और सारा सत्ता के लोलुपता के लिए हुआ गठबंधन है, और अब इनका आपस में मेरा ये विधायक मंत्री बने, मेरे को ये पद मिले वो पद मिले, इसीलिए इतनी देरी हो रही है, ये सच्चाई है, और ये जनता जनार्दन भी अच्छे से जानती है। मंदीप बिश्नोई, मांग की होगी ना आपने भी, भाई जेजेपी की भी तो मांग रहेगी ना कि सरकार बन रही है, मंत्रिमंडल का गठन हो रहा, तो हमारी हिस्सेदारी इतनी होनी चाहिए, हमने 10 विधायक हमारे भी हैं, इस तरीके का दबाव रहता, थोड़ा सा व्यावहारिक भी हम हो जाएं, बहुत ज्यादा सैद्धांतिक डिबेट नहीं हो पाती है फिर।
आरोप, जिस तरह से दो पार्टियों का गठबंधन हुआ है और मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने आप शपथ ली 27 तारीख को, उसके बाद से कई बार कैबिनेट की मीटिंग भी, अधिकारियों के साथ भी मीटिंग ले चुके हैं, जनता की समस्याएं भी ये लोग सुन चुके हैं नेता दोनों जाकर के, तो इस तरह की ना तो कोई भ्रांति है ना कोई वहम है। अगर कोई वहम की आंच पर ख्याली पुलाव पुलाए ये उसका खुद का स्वाद है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। मैं तो इतना कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अनुभव और जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला जी का जो युवा जोश है, निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर एक इतिहास रचने जा रहा है। और जहां तक मैं बात कह दूं, हरियाणा प्रदेश की जनता उस सीरियू गैंग को बिल्कुल मौका नहीं देगी, इनको कोई मौका नहीं देगी। हरियाणा प्रदेश के किसानों की जमीन को सोनिया गांधी जी की टेबल पे जा करके केक की तरह काट करके रॉबर्ट बागरा की प्लेट के अंदर ये सजा करके देने का काम करने वाले लोगों को हरियाणा प्रदेश की जनता दोबारा। बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिए, उसके बाद वीरेंद्र सोनी के पास जाना है। मुकेश सैनी, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिए। आलोक जी ख्याली पुलाव तो ये पका रहे हैं, सत्ता के लालची लोग हैं ये। आपने देखा होगा 75 बार हरियाणा की जनता, किसे कह रहे हैं आप सत्ता के लालची? बीजेपी को कह रहे हैं, जेजेपी को कह रहे हैं, दोनों ही जी, दोनों ही मिल रही है, दोनों ही सत्ता के लिए उन्होंने सारी अपनी नीतियां जो एक दूसरे आप भी तो जेजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे ना, सारी बात छोड़ दी इन्होंने। वो तो बीजेपी के खिलाफ एक सरकार बनाने की मुहिम थी जी। अच्छा, सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने भी, जेजेपी ने भी, लेकिन आप उसी बीजेपी के साथ मिल गए सत्ता के लिए। और कोई इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं है। और एक बार बात, ये बात कहते हैं 75% रोजगार हरियाणा के युवाओं को देंगे, मैं कोई बात बुलाना चाहता हूँ हरियाणा में विष्णु जी सुन लेते हैं। बार बार ये लाग लागते जज्बा वाले कि आप 75% नौकरी युवाओं को देंगे, मैं भाई लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 75 हरियाणा का विभाग है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, उसके अंदर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है ये, सीएलयू किसी को भी देंगे तो उसमें लिखा हुआ 75% नौकरी हरियाणा के युवाओं को देनी पड़ेगी। कल तक दिग्विजय जी और दुष्यंत जी बीजेपी को भ्रष्ट सरकार बताते थे। अरे वो छोड़िए ना, आप कहां इतिहास में, आप ये नहीं, आप सर उससे क्या फायदा है, उससे क्या फायदा है, वो तो अब सरकार तो बन गई ना भाई, सरकार तो बन गई, स्थिति तो कांग्रेस की महाराष्ट्र में भी है, वहां पर भी सरकार बनानी चाहिए शिवसेना के साथ, ठीक है। वीरेंद्र सोनी, ये जो इतनी जो बातें हैं और इन बातों में बीजेपी जेजेपी कांग्रेस को कह रही है ख्याली पुलाव पका रही है, कांग्रेस कह रही नहीं, दरअसल ये गठबंधन की सरकार ख्याली पुलाव पका रही है, क्या हरियाणा की आवाम भी समझ रही है कि दरअसल ये ख्याली पुलाव पका कौन रहा है, कौन है जो हमें भ्रमित कर रहा है? देखिए, हरियाणा की जनता भली भांति जानती है कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है, वो राज्य की जनता भूली नहीं है। अगर मान लीजिए कांग्रेस को 40 सीटें आती हो, क्या वो जननायक जनता पार्टी के पास तो अभी कर रही थी, अभी भी उस सम्मान की बात कर रहे थे कि हम उनके पूरा सम्मान बहाल करेंगे, तो इसलिए इसी दल में कोई भी हमाम में सभी दल एक जैसे हैं, कोई अछूता नहीं है, या सिद्धांत की बात नहीं है, या सत्ता की राजनीति है, तो इसलिए ये कहना कि कोई भी दल इसमें हमाम में सभी एक जैसी उनकी परिपाटी है और सभी उसी में रहने वाले हैं, तो कोई भिन्न नहीं है, पार्टी विद ए डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन वास्तव में परिभाषित किया जाए तो पार्टी विद ए डिफरेंस कोई भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की, मैं फिर वो कहता हूं कि अगर अभी दुष्यंत चौटाला जी ने बात किसने की, अनुराग ठाकुर जी ने कही, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने बात नहीं की, वो अनुराग ठाकुर जी कहां कर लेकर गए, दुष्यंत चौटाला को अमित शाह जी के पास लेकर गए, तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी तो वहां उसी दिन से गौन हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तो उसी दिन से गौन हो गया था, जबकि केंद्र ने उसमें हस्तक्षेप किया है, केंद्र के निर्णय। रमणी जी, इस बात का तो जवाब दीजिए, वीरेंद्र सोनी ने इस डिबेट में दो बार ये बात कही है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी। रमणी जी, इस बात का तो जवाब दीजिए कम से कम। देखिए, पहली बात यह कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते से हमारे पास राष्ट्रीय नेतृत्व है, और अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व मजबूत है, दृढ़ है, तो उसके अंदर इनको आपत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए? आप बताइए ना, क्यों नहीं कोई राहुल गांधी के पास गया, क्यों नहीं राहुल गांधी ने किसी से मुलाकात करी, क्यों नहीं केंद्र और कांग्रेस ने कोई प्रयास किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अभी हम निरंतर बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पोर्टफोलियो, अरे भैया ये सारी बातें बताया आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है, उसके ऊपर क्या आक्षेप है बताइए? आप कहा कि निर्दलीय गए दिल्ली, उसके बाद आएगा चंडीगढ़ दोबारा, ये स्पष्ट हो गया ना केंद्र से भी कि हरियाणा के संबंध में कोई भी अगर निर्णय होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। और ऐसा नहीं होता कि कुटपुतली की तरह, चाहे आप तो बात कर रहे हैं हरियाणा की, भाई भारत की जनता ने, 130 करोड़ जनता ने देखा किस प्रकार एक प्रधानमंत्री को 10 साल बिठा के कठपुतली की तरह चलाया, ये सबने देखा होगा साहब। यहां पे ऐसा कोई स्ट्रिंग पुलिंग नहीं है
या कठपुतली की कोई तारे नहीं, किसी के हाथ में डोरी किसी के हाथ में नहीं है। नहीं नहीं, ये देखिए रमणीक जी, ये ठीक नहीं है, ये रमणीक जी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए अगर आप अगर अगर आप उन्हें कठपुतली कहेंगे तो वो भी ये कहेंगे कि साहब ये जो केंद्र की सरकार है दो लोगों के हाथ में सिर्फ तानाशाही है यहाँ पर, तो ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर हो जाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, जितनी आंतरिक जितना आंतरिक लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कहीं पे नहीं है। आप बताइए क्या कमी थी मजबूती में माननीय अरुण जेटली जी की, क्या कमी थी मजबूती में माननीय सुषमा स्वराज जी की, क्या कमी है मजबूती में आज भी माननीय नितिन गडकरी जी की, आप बताइए क्या कमी है मजबूती में आज भी राजनाथ सिंह जी की। आप बात हाँ, कौन सवाल उठा रहे हैं केंद्र पर, तो क्या सवाल यही पर वीरेंद्र सोनी यही तो कह रहे हैं, दरअसल ये मजबूती जो केंद्र की है जो राष्ट्रीय नेतृत्व की है वो इतनी है कि अब राज्य का जो नेतृत्व है उससे भी कोई पूछना नहीं चाह रहा, दिल्ली जा रहा है समस्या के लिए, यही बात तो वीरेंद्र सोनी कह रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं मैं उत्तर देता हूं। देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रेजेंट किया माननीय मनोहर लाल जी को एज अ फेस, और हमारे पास जो जनादेश आया उसको स्वीकार किया, हम पोस्टपोन लाइन्स में सरकार बनाई। अब इसके अंदर यह है कि केंद्र की तरफ से क्या कोई पोर्टफोलियो अलॉट किया जा रहा है, केंद्र की तरफ से क्या बताया जा रहा है जजपा को कि भाई आपका कौन सा मंत्री आएगा कौन सा नहीं आएगा, ये तो परामर्श दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के बीच में हुए, और उसके बाद यह विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का किसको अपॉइंट करना, कल किसको शपथ लानी है, ये बात तो आप भली भांति इस बात से वाकिफ है। और मैं एक क्यों कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है, इसलिए उनको स्मरण कराना बहुत जरूरी है कि जिस वक्त चौधरी भजनलाल के नाम के ऊपर ये 67 सीटें जीत के आए तब इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एज अ पैराशूट कैंडिडेट लैंड किया, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इन्होंने कई बार किया हुआ इस प्रकार से, तो बताइए वो धोखा था या नहीं था जनता के साथ। और उसके बाद ये 67 से 15 पे आ गए, तो ये चीजें जो है ना, ये कहना अच्छा लगता है इनको, ये ख्याली पुलाव बनाए, उस पुलाव को तड़का लगाए, उसको रायते के साथ खाए, रायता फैलाए, हमारे को कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बहरहाल दो बातें स्पष्ट तौर से अनुभव भाई बता दूं, पहला माननीय मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है और वो अपने एकाधिकार का प्रयोग करते हुए कल कैबिनेट विस्तार करेंगे, और दूसरा ये सरकार जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार, ये गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, किसी को कितनी पीड़ा हो कितनी तकलीफ हो हमारे पास कोई मतलब नहीं है साहब। ठीक है रमणीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया बंदी विश्नोई जी आपका भी, मुकेश सैनी जी आपका भी, और वीरेंद्र सोनी जी आपका भी, और रमणीक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यही है कि आखिर ये देरी हुई क्यों, हालांकि सरकार के स्तर पर क्या ये देरी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, या फिर ये उसी तरीके की देरी है जो आमतौर पर जब दो अलग अलग विचारधारा के दल एक साथ जब गठबंधन करते हैं तो मांगे अपनी अपनी तरीके से होती हैं, हमारे कितने मंत्री हमारे कितने